जनपद में छठ महापर्व के सफल आयोजन के बाद 8 नवंबर को होने वाले कार्तिक पूर्णिमा स्नान की तैयारी में पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम जुट गया है। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन राप्ती नदी के तट पर काफी संख्या में श्रद्धालु अपने परिवार के सदस्यों के साथ गंगा स्नान करने आते हैं, जिसे लेकर घाटों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मिट्टी का समतलीकरण, घाटों की सफाई एवं बैरिकेडिंग की गई है। यह स्नान राप्ती नदी के श्री राम पर की जाएगी, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा स्नान सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा नहान से एक दिन पहले ड्यूटी लगा दी गई है, जो 8 नवंबर को दोपहर तक रहेंगे। इसके अलावा एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम की व्यवस्था की गई है। नदियों में जहां पर गहराई है वहां पर बैरिकेडिंग कराई गई है और स्थानीय गोताखोरों को भी संपर्क में रखा गया है, तथा पूरी कोशिश रहेगी कहीं पर भी किसी प्रकार की दुर्घटना ना होने पाए। उन्होंने कहा कि राप्ती नदी रामघाट पर 5000 के करीब श्रद्धालुओं की भीड़ होने की संभावना है। इसके साथ ही कैंपियरगंज में भी करीब 3 से 4 हजार श्रद्धालुओं की भीड़ होने की संभावना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, चमकी उधर से इधर इसमें आज दोपहर से ही ड्यूटियां लगा दी गई हैं, जो कल दोपहर तक रहेंगी। पीसी की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, इसके अलावा एसडीआरएफ एनडीआरएफ की भी सहायता ली जा रही है। जहां गहराई है नदियों में वहां पे बैरिकेडिंग कराई गई है, प्रकाश की व्यवस्था की जा रही है और स्थानीय गोताखोरों संपर्क करके भी उनको रखा जा रहा है, लगाया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं भी कोई दुर्घटना ना होने पाए। सर कितनी भीड़ होने की संभावना? ये जो मुख्य तौर पे गीडा में जो राप्ती नदी पे 5000 के आसपास भीड़ की संभावना है और कैंपियरगंज में भी लगभग 3000-4000 के आसपास भीड़ की संभावना है।